हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे डॉक्टर विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल के बारे में, क्योंकि ये कैप्सूल अभी इंडिया में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं कि उनको मोटा होना है। तो हम कम्प्लीट रिव्यू करने वाले हैं आज के इस वीडियो में इस कैप्सूल का, कि क्या ये कैप्सूल से आप मोटे हो सकते हो। सिर्फ मोटे ही नहीं, इसके अलावे भी और भी कई बेनिफिट्स है ये कैप्सूल का। और सबसे अच्छी बात यह है, ये कैप्सूल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है अभी तक, क्योंकि ये कैप्सूल प्योर आयुर्वेदिक कैप्सूल है। ये कैप्सूल को विश्वास मेडिकेयर कंपनी, जो कि डॉक्टर आसिम विश्वास की कंपनी है, वो कंपनी बनाती है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, डिपेंड करता है आप कैसा पैक ले रहे हो, क्योंकि इसका कई तरह का पैक अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं इसको, अमेजन फ्लिपकार्ट से, वहाँ भी अवेलेबल है। तो आपको जैसा पैक चाहिए आप ले सकते हैं। आपको 100 रुपये से ले कर 200, 300, 400, 500 हर एक प्राइस में इसका पैकिंग अवेलेबल है, और इसका पैकिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों, डॉक्टर विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल कई आयुर्वेदिक दवाओं से मिल के बना है। उनमें से कुछ का मैं नाम बता देता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, प्योर हिंदी में है, तो आप लोगों में से जिसको भी समझ में आएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये सारे जड़ी बूटी का नाम मुझे नहीं मालूम है, कुछ का ही मुझे पता है। तो सबसे पहले इसमें अश्वगंधा है, ब्राही है, गोखरू है, अनंतमूल है, द्रक्षा है, शतामूली है, जस्ती मधु है, जतामंसी है, शंख पुष्पी है, विरंगा है, अमलाकी है। ये वो सारे जड़ी बूटी हैं जिससे मिल के ये कैप्सूल बना है। अब हम बात करते हैं ये कैप्सूल खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किनको खाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा, ये कैप्सूल आप जब भी ले रहे हैं पहले आप डॉक्टर का एडवाइस लें, उसके बाद ही यूज़ करें, क्योंकि आपका यूज़ करने का कई पर्पस हो सकता है। तो डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर आपका सिचुएशन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एडवाइस करेंगे। हो सकता है डेली आपको एक कैप्सूल लेना पड़े, हो सकता है डेली आपको दो लेना पड़े, और हो सकता है आपको डेली तीन भी लेना पड़े। तो ये पूरा डिपेंड करेगा आपका बॉडी पे, आपका हेल्थ। दोस्तों, ये कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो पतले दुबले हैं, जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, वो अगर ये कैप्सूल का यूज़ करेंगे उनको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिनको भूख कम लगता है वो अगर यूज़ करेंगे तो उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जिनको लीवर प्रॉब्लम है, मसल प्रॉब्लम है, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है, ये कैप्सूल का यूज़ करके आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा ये कैप्सूल आपका डाइजेशन प्रॉब्लम को भी दूर करता है। अगर आपका शरीर में कमजोरी है वो भी ये कैप्सूल दूर करता है। आप कोई लंबे बीमारी से जूझ रहे हैं उससे भी लड़ने में ये कैप्सूल आपको मदद करता है। इसके अलावा ये कैप्सूल आपके बॉडी का इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करता है। डॉक्टर्स का कहना है ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये कैप्सूल, और इसके साथ ही आपके स्किन को भी ग्लो करने में ये कैप्सूल मदद करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप ये कैप्सूल का रेगुलर यूज़ करेंगे। दोस्तों, इस कैप्सूल का रिजल्ट आपको थोड़ा लेट से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक प्योर आयुर्वेदिक कैप्सूल है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी एज ग्रुप वाले ये कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे, प्रेग्नेंट वीमन या फिर जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको अगर यूज़ करना है तो मेक श्योर आप पहले डॉक्टर से एडवाइस लें, उसके बाद ही यूज़ करें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कैप्सूल का अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे अवॉइड करना पड़ेगा आपको ऑयली फूड खाना, बाहर का फास्ट फूड खाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा ओवर ईटिंग को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बहुत लोग फूडी होते हैं, टेस्टी खाना पा के दबा के खाते हैं, तो ये चीज़ को आपको अवॉइड करना होगा। इसके अलावा आपको सही डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम पे आपको खाना पड़ेगा, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको प्रॉपर नींद लेनी होगी, मिनिमम 6 से मैक्सिमम 8 घंटा का। इसके अलावा आप कोशिश करिए फ्रेश फूड खाने का, बासी आहार बिल्कुल मत खाइए। बहुत लोगों को आदत होता है फ्रीज का पानी पीने का, इसको भी अवॉइड करिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि फ्रीज का पानी का क्या नुकसान है, तो आप लोगों में से जिसने भी नहीं देखा है ये वीडियो को देख सकते हो। इसके साथ ही आपको मीठा खाना बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल के बारे में
लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।